नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज नेशन में। मैं हूं आपके साथ अजय ठाकुर। डेविड वार्नर ने एक भावुक स्टेटमेंट दे दिया है। डेविड वार्नर इमोशनल हो गए हैं। डेविड वार्नर ने कह दिया है कि उनके पास अब बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है। डेविड वार्नर ने आखिर ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया है और इस स्टेटमेंट के मायने क्या है, इस वीडियो में आपको बताएंगे। वो पूरा स्टेटमेंट भी आपको दिखाएंगे कि उन्होंने क्यों और क्या कुछ कहा है। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। दरअसल टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज इन दिनों खेली जा रही है। पहले और दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने जीत दर्ज की और तीसरा मुकाबला इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। इस टेस्ट सीरीज के तीसरे मुकाबले को जीत भारतीय टीम सीरीज में जीत दर्ज करना चाहेगी, तो वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम की कोशिश होगी कि वो इस मुकाबले को जीतकर सीरीज में वापसी कर सके। लेकिन तीसरे मुकाबले से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम को बहुत सारे झटके लगे, जैसे पैट कमिंस टीम से बाहर हो चुके हैं, उनकी गैरहाजिरी में स्टीव स्मिथ कप्तानी करेंगे, तो वहीं बाहर हो चुके हैं डेविड वार्नर। डेविड वार्नर दूसरे टेस्ट मुकाबले के दौरान चोटिल हुए थे, जिसके बाद वो पहले तो मैच से बाहर हुए और उसके बाद वो सीरीज के बचे 2 मुकाबलों से भी बाहर हो चुके हैं डेविड वार्नर। हालांकि डेविड वार्नर वनडे सीरीज के लिए चुने गए हैं। वनडे सीरीज के लिए जो ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड चयनित की गई है उसमें डेविड वार्नर को रखा गया है, लेकिन इस टेस्ट सीरीज से बाहर होने के बाद डेविड वार्नर भावुक हुए। आपको बता दें कि दूसरे टेस्ट मुकाबले से पहले भी ऑस्ट्रेलियन मीडिया में ये खबरें थी कि डेविड वार्नर बहुत जल्द टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह सकते हैं। डेविड वार्नर का फॉर्म अगर लगातार खराब रहा तो डेविड वार्नर को टीम से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। और दूसरा जो टेस्ट मुकाबला है वो डेविड वार्नर के लिए खास रहा नहीं, लेकिन उसके बाद वो चोटिल हो जाते हैं और टीम से बाहर हो जाते हैं। अब लगातार सोशल मीडिया पर ये खबरें हैं कि डेविड वार्नर का जो टेस्ट क्रिकेट जो करियर है वो अब शायद खत्म हो चुका है। इस पर बात करते हुए डेविड वार्नर ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है। डेविड वार्नर भावुक हुए हैं। डेविड वार्नर का दर्द झलक उठा है। डेविड वार्नर ने कहा है कि 2024 तक वो टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आपको स्टेटमेंट दिखाते हैं। उन्होंने कहा, मैंने हमेशा से कहा है कि मैं 2024 तक खेलना चाहता हूं। अगर चयनकर्ताओं को लगता है कि मैं टेस्ट टीम में जगह बनाने का हकदार नहीं हूं तो कुछ नहीं किया जा सकता और मैं सफेद गेंद का क्रिकेट खेलने का प्रयास कर सकता हूं। मेरे पास अगले 12 महीने हैं, टीम को काफी क्रिकेट खेलनी है और अगर मैं रन बनाना जारी रखता हूं और टीम के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता हूं तो टीम में अपनी जगह बना पाऊंगा और यह टीम के लिए शानदार होगा। जब आप 36 साल के होते हैं और 37 के होने वाले होते हैं तो आपके आलोचकों के लिए आसानी होती है। मैंने पूर्व खिलाड़ियों के साथ भी ऐसा ही देखा है। अगर मैं बाकी खिलाड़ियों से दबाव हटाता हूं और अगर कोई बाकी टीम को लेकर चिंतित नहीं है तो मुझे ऐसा करने में खुशी होगी। डेविड वार्नर ने साफ कर दिया है कि उनके पास अब मात्र 12 महीने बचे हैं। 12 और महीने वो टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं। अगर चयनकर्ताओं को लगता है कि वो खेलने के लिए सूटेबल है, वो खेल सकते हैं, उनमें वो काबिलियत अभी भी बची हुई है तो निश्चित तौर पर वो खेलना चाहते हैं। 12 महीने और टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि वो 36 के हो चुके हैं और ऐसे में उनके आलोचकों के लिए बहुत आसानी होगी उनकी आलोचना करना। लेकिन इन सबसे इतर आपको एक और चीज़ बता दें कि टेस्ट क्रिकेट में लंबे समय से खराब फॉर्म के कारण वार्नर के टेस्ट करियर पर डाउट जो है वो बना हुआ है। वो पिछले 3 साल में सिर्फ 1 टेस्ट शतक लगा पाए हैं। बुधवार को ऑस्ट्रेलिया के चयनकर्ता टोनी डोडमैन ने वार्नर के भविष्य पर और एशेज दौरे के लिए उनके नाम पर चर्चा करने के लिए जब उनसे कहा गया तब उन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो दोनों चीजें सामने हैं। एक तरफ चयनकर्ता वार्नर के भविष्य पर कोई बात नहीं करना चाहते, ऊपर से वार्नर की आलोचना हो रही है, ऑस्ट्रेलियन मीडिया लगातार उनको टीम से बाहर करने की मांग कर रही है, तो वहीं वार्नर ने साफ कर दिया है कि वो 12 और महीने खेलना चाहते हैं। इस खबर पर आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि वार्नर में अभी इनफ क्रिकेट बचा हुआ है, क्या वो और 12 महीने टेस्ट क्रिकेट खेल सकते हैं? आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें। थैंक यू सो मच।